दिल्ली मेडिकल काउंसिल के को लेकर के एक नया विवाद सामने आया है। आम आदमी पार्टी की सरकार उसके नॉमिनेट मेंबर को चेंज करना चाहती है। हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल हैं, इनका भी नॉमिनेशन हो चुका है। सर, चार जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का आदेश आ रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल मेडिकल काउंसिल एक्ट के द्वारा बनती है, दिल्ली सरकार का हम स्टैचुरी अंग है और 20 दिसंबर को ये बॉडी खत्म हो गई। इस बॉडी को 20 दिसंबर से पहले बन जाना चाहिए था। नॉमिनेशन और इलेक्शन की सारी प्रक्रिया 20 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चार नामों को नॉमिनेट किया, जो देश के प्रसिद्ध लोग हैं। चार नामों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 दिसंबर को नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करके दिल्ली मेडिकल काउंसिल को उन्होंने इसके बारे में बताया। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने फॉर्मेलिटी पूरी करके हेल्थ सेक्रेटरी के पास ये फाइल भेजी। एंड मुझे अचरज इस बात का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो रिस्पॉन्सिबल है नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन के लिए, उन्होंने इस फाइल को 10 जनवरी को साइन कर दिया। और इस फाइल के साइन होने के बाद जब वो प्रक्रिया पूरी हो गई, उस प्रक्रिया के बाद ये नई सरकार आकर अगर उन नामों को या उस बॉडी को चेंज करने के साथ उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, उचित नहीं है। ये जिस भावनाओं से केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बने हैं या उनके मिनिस्टर्स आए हैं, हम उनका आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि अन्याय ना हो, न्याय के साथ वो काम करें और किसी भी ऐसी स्टेचुरी बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना करें। इसमें डिफरेंट सेक्शंस के लोग आए हैं, 23 मेंबर बॉडी है और इस बॉडी को चलने दें, उसको आगे बढ़ने दें। अगर सरकार इन चार नॉमिनेटेड मेंबर को बदलती है, क्या करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हम लीगल रिकोर्स भी ले रहे हैं, आज आपके माध्यम से हमने ये सारी चीज़ को पब्लिक किया है। हम लीगल रिकोर्स ले रहे हैं, साथ साथ भी कल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बुलाई है, जिसमें हमने बाकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी बुलाया है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दिल्ली में। उन सबके साथ बैठकर कल एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। आप दिल्ली मेडिकल प्रोफेशन को जानते हैं, आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ को जानते हैं। अगर हमने ये ठाना है कि हम सरकार को ये नहीं होने देंगे, विश्वास कीजिए, हम ये नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कोई भी एजिटेशनल कोर्स लेना पड़ा, चाहे वो संबंधित है धरने से संबंधित है, चाहे वो देश भर में धरनों से संबंधित है, दिल्ली की गली गली में धरनों से संबंधित है और मेडिकल प्रोफेशन को बंद करने तक भी संबंधित है। हम इसको नहीं होने, हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार राइट तरीके से राइट चीज़ों को करे। धन्यवाद। धरनों के जरिए बनी आम आदमी पार्टी की सरकार अब दोबारा धरनों का मुकाबला करेगी अगर वो चार नॉमिनेटेड मेंबर को बदलती है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को किसी भी तरीके से ठंडा नहीं होने देंगे और इस मामले पर अगर सरकार किसी तरह की कार्रवाई करती है और उनके नॉमिनेटेड मेंबर को बदलती है तो वो धरने पर भी उतर जाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।